Hello everyone and welcome to Easy English Literature. Our next writer for Indian English Literature is Vikram Seth. So let's get started. Vikram Seth was born in the year 1952. He is an Indian poet and novelist. Ye poet bhi hain aur novelist bhi hain. Awards ki baat karein to he received Padma Shri in the year 2007. Sahitya Academy Award in the year 1988 for the work The Golden Gate. The Golden Gate inki novel hai, iske liye inhe mila Sahitya Academy Award. प्रवासी भारतीय सम्मान इन द ईयर 2005, डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरेरी अवार्ड फॉर द सूटेबल बॉय. द सूटेबल बॉय भी इनका नॉवल है, इस वर्क के लिए इन्हें मिला डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरेरी अवार्ड. एंड द नेक्स्ट अवार्ड इज क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड. सो दीज आर द अवार्ड्स जो विक्रम सेठ को मिले. अब हम आ जाते हैं मेजर वर्क्स पे. फर्स्ट वर्क है द गोल्डन गेट. ये विक्रम सेठ का फर्स्ट नॉवल था. ओके, फर्स्ट नॉवल था और फर्स्ट नॉवल के लिए ही इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया. सो द गोल्डन गेट कंपोज्ड ऑफ 519 वनगिन स्टैंजा. वनगिन स्टैंजा एक्चुअली क्या होते हैं, मैं आगे बताती हूँ आपको. ये सोनेट्स होते हैं. इनका जो विक्रम सेठ ने जो राइम स्कीम लिखा था वो था ए बी ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ ई जी जी. ओके, ये राइम स्कीम था सोनेट का. इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स जॉनस्टन्स ऑफ पुष्किन यूजीन वनगिन. तो एक्चुअली क्या है, अलेक्जेंडर पुष्किन जो है एक रशियन राइटर हैं, उन्होंने इस तरीके का वर्स फॉर्म स्टार्ट किया, इसलिए इस फॉर्म को हम कई बार पुष्किन सोनेट्स भी बोलते हैं. उनसे इंस्पायर होकर लिखा चार्ल्स जॉनस्टन ने और इनसे इंस्पायर होकर लिखा विक्रम सेठ ने. प्रोटैगोनिस्ट है जॉन ब्राउन. तो द गोल्डन गेट का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है जॉन ब्राउन. नेक्स्ट वर्क इज़ अ सूटेबल बॉय. इस नॉवल का समरी आप देखिए, इम्पॉर्टेंट नॉवल है. लॉन्गेस्ट नॉवल एवर पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि जब कोई नॉवल बहुत लंबा होता है तो उसे अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश किया जाता है, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, इस तरीके से. मगर सूटेबल बॉय जो है ये बहुत लॉन्ग नॉवल है, बट एक ही वॉल्यूम में, सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुआ. सेटिंग है पोस्ट इंडिपेंडेंस या पोस्ट पार्टीशन इंडिया. ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस की सेटिंग है, तो पार्टीशन के बाद की सेटिंग होगी. ईयर इज 1953. स्टोरी ऑफ फोर फैमिलीज ओवर पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. फोर फैमिलीज की स्टोरी है इस नॉवल में और 18 मंथ्स तक उनके पीरियड, उनके लाइफ में जो हुआ वो इस नॉवल में दिखाया गया. जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसेज रूपा मेहरा. ये अपनी यंगेस्ट डॉटर लता के लिए सूटेबल बॉय ढूंढ रही हैं. तो जो बॉयज़ उनके नज़रों में है वो है कबीर, हरेश और अमित. और हरेश इज़ द बॉय जो उनको बेस्ट सूटेड लगा अपनी डॉटर के लिए. प्रेजेंट में विक्रम सेठ इसका सीक्वल लिख रहे हैं, अ सूटेबल गर्ल, जो कि फोर्थ कमिंग नॉवल है. और उसका सेटिंग जो है प्रेजेंट है, अभी के टाइम का सेटिंग दिखाया गया है. नॉर्मली सीक्वल्स जो होते हैं, जो जहाँ पे फर्स्ट नॉवल फिनिश हुआ उसके आगे से स्टार्ट होता है, बट ये 1954 से स्टार्ट नहीं होके प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रही है ये वाला वर्क, अ सूटेबल गर्ल. दैट्स वाई विक्रम सेठ इसे बोलते हैं जंप सीक्वल. इतने टाइम पीरियड का जंप लेके सीक्वल लिखा है, तो ये जंप सीक्वल हुआ. नेक्स्ट वर्क इज़ एन इक्वल म्यूजिक, डील्स विद द ट्रबल्ड लव लाइफ ऑफ अ वायलिनिस्ट. ठीक है, तो एक वायलिनिस्ट है, उसकी लव लाइफ, उसकी जो ट्रबल्ड लव लाइफ है उसके ऊपर ये वर्क लिखा गया, एन इक्वल म्यूजिक. नेक्स्ट इज टू लाइव्स पब्लिश्ड. ये मेमोयर है ऑफ मैरिज ऑफ हिज ग्रेट अंकल एंड आंट. उनके अंकल एंड आंट की मैरिज का मेमोयर है. कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं विक्रम सेठ की, जैसे मैपिंग, बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, 10 स्टोरीज अबाउट एनिमल्स. ऑब्वियसली बीस्टली टेल्स हैं, तो यहाँ पे जो स्टोरीज हैं वो एनिमल्स के बारे में हैं और 10 स्टोरीज हैं इसमें. थ्री चीनी पोएट्स, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन एंड द समर रिक्वीम. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ विक्रम सेठ. एक ट्रैवल बुक भी लिखा है विक्रम सेठ ने, जिसका नाम है फ्रॉम हेवन लेक. ओके, फ्रॉम हेवन लेक, जर्नी थ्रू तिब्बत, चाइना एंड नेपाल. तो आपको ये ध्यान रखना है कि विक्रम सेठ का जो ट्रैवल बुक है वो कौन सी कंट्रीज़ की जर्नी दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है तिब्बत, चाइना एंड नेपाल. ओके, सूटेबल बॉय की समरी देखिए, ट्रैवल बुक का कंट्रीज़ का नेम आप ध्यान रखिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट विक्रम सेठ. फॉर मोर सच नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू ईजी इंग्लिश लिटरेचर. प्लीज़ हिट द लाइक बटन. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग. Bye-bye.